लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। फीफा, फ्रांस उरुग्वे, ब्राजील बेल्जियम का क्वार्टर फाइनल आज। एक पूर्व विश्व चैंपियन का बाहर होना तय विश्व कप में फ्रांस के खिलाफ उरुग्वे 52 साल से जीत दर्ज नहीं कर पाया है। पिछले 5 मैच में उरुग्वे की टीम फ्रांस के खिलाफ सिर्फ एक गोल कर पाई है। विश्व कप में बेल्जियम के खिलाफ ब्राजील का सक्सेस रेट 100%। मॉस्को। फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 8 टीमों के बीच शुक्रवार और शनिवार को आखिरी 4 में आने के लिए मुकाबले होंगे। दोनों दिन 2 से 2 मैच खेले जाएंगे। इन टीमों में से 4 कभी न कभी विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। शुक्रवार को इन्हीं 4 के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला मैच फ्रांस और उरुग्वे, दूसरा बेल्जियम और ब्राजील के बीच खेला जाएगा। साफ है इनमें से 2 टीमें ही सेमीफाइनल में पहुंचेगी, यानी 6 जुलाई के बाद कम से कम एक पूर्व विश्व चैंपियन का अभियान खत्म हो जाएगा। इस बार उरुग्वे के खिलाफ सबसे कम गोल फ्रांस और उरुग्वे दिग्गज खिलाड़ियों वाली टीमों को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। उरुग्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल में की पुर्तगाल को हराया था। फ्रांस ने लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी। यह मैच एक तरीके से दोनों टीमों के मजबूत डिफेंस की परीक्षा होगी। उरुग्वे ने अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है और सिर्फ एक गोल खाया है। अजेय तो फ्रांस भी रही है, लेकिन उसने इस विश्व कप में एक मैच ड्रॉ खेला है। चोटिल कवानी का खेलना संदिग्ध उरुग्वे के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि पुर्तगाल के खिलाफ 2 गोल करने वाले उसके स्ट्राइकर एडिनसन कवानी चोटिल है। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। वह क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे या नहीं यह अभी अस्पष्ट है। कोच ऑस्कर तबरेज के लिए उनके विकल्प का चुनाव मुश्किल होगा। कवानी के न होने से उरुग्वे को एक नुकसान यह भी है कि टीम के दूसरे बड़े स्टार लुइस सुआरेज का असरदार जोड़ीदार मैच में नहीं होगा। यह बात सुआरेज को कमजोर भी कर सकती है। पिछले मैच में कवानी ने सुआरेज की मदद से ही गोल किए थे। डिफेंस की कड़ी परीक्षा के लिए फ्रांस तैयार। उरुग्वे की ताकत उसका कसा हुआ डिफेंस है, जिसने रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को पेनल्टी एरिया में जाने के लिए तरसा दिया था। इस डिफेंस पर फ्रांस के एंटोनी ग्रीजमैन, किलियन एम्बापे, पॉल पोगबा, एन्गोलो कांटे को रोकने की चुनौती होगी। वहीं फ्रांस के डिफेंस ने मेसी जैसे खिलाड़ी को बांधे रखा था। हालांकि वे एक गोल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन फिर खुल कर नहीं खेल पाए। फ्रांस के सैमुएल उम्टिटी और रफाइल वरान के लिए उरुग्वे के अटैक को रोकना मुश्किल हो सकता है। फ्रांस के लिए इस मैच में एक चिंता की बात यह है कि वे ब्लासे माटोइडी की जगह किसे मैदान पर उतारे। माटोइडी निलंबन के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। क्या फॉरवर्ड खेलने वाले 3 खिलाड़ी दिलाएंगे ब्राजील को एक और विश्व कप? ब्राजील ने फिर साबित किया कि विलियन, गैब्रियल, नेमार और फिलिप कोटिन्हो के होने से वे किसी भी खतरे से निपट सकते हैं। हालांकि मिडफील्ड अब भी उनके लिए एक समस्या है। प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको के खिलाफ हाफ टाइम में ब्राजील को गेंद अपने कब्जे में लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। बेल्जियम में चेल्सी के इडेन हेजार्ड, मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्रुने और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रोमेलू लुकाकू जैसे स्टार हैं। ये खिलाड़ी किसी भी वक्त उलटफेर करने का मादा रखते हैं। 2014 में भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली बेल्जियम ने इस विश्व कप में अब तक सबसे ज्यादा 12 गोल किए हैं। उसने जापान के खिलाफ 2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 90+4 मिनट में नेसर चार्ली के गोल के दम पर जीत हासिल की थी। वह विश्व कप के नॉकआउट दौर में 2 गोल से पिछड़ने के बाद जीत दर्ज करने वाली 48 साल में पहली टीम है। विश्व कप में पहली बार ब्राजील को हरा पाएगी बेल्जियम? ब्राजील और बेल्जियम 5वीं बार आमने सामने हैं। इससे पहले हुए 4 में से 3 मुकाबलों में ब्राजील और 1 में बेल्जियम ने बाजी मारी है। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ आखिरी बार 2002 विश्व कप में मैच खेला था। तब ब्राजील ने 2-0 से जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। ब्राजील लगातार 3 जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। वहीं बेल्जियम की टीम भी लगातार 4 जीत के साथ यहां पहुंची है। पिछले विश्व कप में भी वे लगातार 4 मैच जीतने में सफल रही थी। ब्राजील 1994 से हर बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं बेल्जियम पहली बार लगातार 2 विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में जगह बना पाई है।
विश्व कप में बेल्जियम का दक्षिण अमेरिकी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन खराब रहा है। उसकी 7 बार दक्षिण अमेरिकी टीमों से भिड़ंत हुई है, जिनमें से वे 2 जीत पाई, 4 हारी और 1 ड्रॉ कराया।